नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका झारखंड डी टू डी के बारे में। जो भी बच्चे डिप्लोमा टू डिग्री का एग्ज़ाम दिए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि आप सभी का काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, सबसे मेन क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चे भी मैसेज कर रहे थे लगातार हेल्पलाइन नंबर पर, लगातार आप जो भी सोशल मीडिया है हमारा उस पर भी मैसेज कर रहे थे कि डी टू डी का आपका काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको JCCB की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है काउंसलिंग कब से होगा। इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आपको मैंडेटरी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको काउंसलिंग के बाद यानी अलॉटमेंट के बाद आपको समझनी है, उसके लिए आपको यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों तक। आपके डिमांड पर ये वीडियो बनाया जाए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं फटाफट से काउंसलिंग के बारे में हम लोग डिटेल्स जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के डेट में रिलीज़ किया गया नोटिस, ठीक है, 15 तारीख। अभ्यंतरण संस्थान में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए जो भी बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं लैटरल एंट्री का, ठीक है, EEE CE इंजीनियरिंग एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लैटरल एंट्री का जो भी एग्जाम था उसके लिए काउंसलिंग के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में आपको क्या क्या मिलेगा कि जो भी बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में, यानी डायरेक्ट सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर में, तो वैसे बच्चे इस काउंसलिंग के थ्रू हो करके आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं काउंसलिंग करने के बाद। ओके, चलते हैं फटाफट, उसके बाद हम लोग बात कर देंगे काउंसलिंग का डेट्स क्या क्या है। सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। चलो काउंसलिंग के डेट के ऊपर चलते हैं, सीधा सीधा हम लोग चलते हैं कि काउंसलिंग का जो डेट्स है, ठीक है, जो भी बच्चा इंतज़ार कर रहा है कि आपका फर्स्ट काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, तो काउंसलिंग का जो डेट है वो आपका स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो है वो आपका कल से स्टार्ट हो गया, यानी 16 जून से स्टार्ट हो गया है आपका, स्टार्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं 16 तारीख से। उसके बाद आप जो आपका जो फॉर्म भराया जाएगा यानी आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आपका लास्ट डेट होगा वो आपका 21 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर चॉइस फिलिंग करने के बाद आपने अगर लॉक कर दिया है यानी अपने चॉइसेस को अगर लॉक कर देते हैं, जो भी वीडियोस में मैंने बताया है पॉलिटेक्निक में भी आपने किया होगा जब आप एडमिशन ले रहे थे तब, ठीक है, तो जो लॉक कर देते हैं उसके बाद आपको एडिट करना है। अगर आपको लॉक करने के बाद भी अगर कोई चेंजेस करना है तो आप 22 तारीख को कर सकते हैं, 22 जून को। उसके बाद आपको जो अलॉटमेंट आएगा वो कब आएगा, 26 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक के बीच में आपको अलॉटमेंट लेटर, यानी 26 तारीख तक के बीच में आपको अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है, और आपको 26 से 1 तक के बीच में जाके कॉलेज में एडमिशन करवा लेना है। ये आपका फर्स्ट काउंसलिंग ऑफ लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग कोर्स के लिए है, यानी डी टू डी के लिए फर्स्ट काउंसलिंग का शेड्यूल है। आपको इस डेट पे ये चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है, समझ रहे होगे बच्चे। चलो फटाफट से दूसरे सेकंड काउंसलिंग का भी सेम चीज़ है, वैसे तरह से देखना। आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग में जितना भी सीट बचेगा सेकंड काउंसलिंग के लिए वो आपको डिस्प्ले होगा कब, 5 तारीख को, 5-7 को, यानी 5 जुलाई को आपका सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सीट मैट्रिक 5 तारीख को आएगा, 5 जुलाई को। उसके बाद स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, सेकंड काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं 6 तारीख से, 6 जुलाई से। उसके बाद आपका जो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कब तक, यानी लास्ट डेट जो है वो आपका 12 तारीख तक आप कर सकते हैं, सभी के लिए एक हफ्ता यानी दिया गया है, ठीक है, 6-6 दिन, 7-7 दिन दिया गया है। आपको अगर आपने लॉक कर दिया है अपने चॉइसेस को तो आप एडिट कर सकते हैं 13 तारीख को। उसके बाद आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा वो आपका 18 से 25 के बीच में आ जाएगा, उसके बीच में आपको जाके कॉलेज में एडमिशन भी ले लेना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन कंसर्न इंस्टीट्यूट। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो सिंपल जाके एडमिशन ले लीजिएगा। यही है आपका सेकंड काउंसलिंग के बारे में। थर्ड काउंसलिंग में भी सेम प्रोसेस है, वही चीज़ है, जो भी सेकंड काउंसलिंग में सीट खाली बचेगा उसके बाद आपको थर्ड काउंसलिंग करवाया जाएगा। उसका डेट्स यहाँ पे इस तरह से है, सीट मैट्रिक जो होगा थर्ड काउंसलिंग के लिए वो आपका 31/7/2023 को, यानी 31 तारीख को, 31 जुलाई को आपको रिलीज़ किया जाएगा। उसके बाद जो स्टार्टिंग होगा यानी थर्ड काउंसलिंग, आप चॉइस फिलिंग और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कब से कर सकते हैं, आप 1 तारीख से कर सकते हैं, 1 अगस्त से। उसके बाद आपको लास्ट डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का होगा वो आपका 9 तारीख तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं थर्ड काउंसलिंग का, ठीक है, थर्ड एंड लास्ट राउंड काउंसलिंग ऑफ एडमिशन इन लेटरल एंट्री कोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ, थर्ड और फोर्थ दोनों अगर बचाएगा सीट तो फोर्थ भी कराया जाएगा, नहीं है तो थर्ड तक में सीमित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एडिशन करना है तो 10 तारीख को कर सकते हो। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आएगा आपका 18 अगस्त को थर्ड काउंसलिंग और लास्ट काउंसलिंग का, ठीक है, 18 से 28 तक के बीच में आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके उसी बीच में 18 से 28 के बीच में एडमिशन करवा लेना है। ये आपका डेट शेड्यूल है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में, जो चीज़ आपको समझना चाहिए और आपको एडमिशन के समय आपको काम आएगा, ठीक है। आप अगर काउंसलिंग भी कर रहे हैं तो फर्स्ट काउंसलिंग आप अटेंड करके सेकंड काउंसलिंग में ब्रांच चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में भी पूरा हम लोग सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। डेट शेड्यूल पता चल गया और उसके बाद जानते हैं कि हम आप लोग को कितना पैसा देना होगा, यानी कितना आपको फ़ी लगेगा काउंसलिंग का, ठीक है। तो जो भी बच्चा
ठीक है। यहाँ पे देखो पाँच नंबर में, जो भी बच्चा जनरल EWS BC1 BC2 मेल कैंडिडेट है, अगर मेल कैंडिडेट है तो उनको 400 रुपया फ़ी लगेगा, ठीक है। सेम चीज़ और SC ST का, अगर मेल कैंडिडेट है SC ST का मेल कैंडिडेट, तो उसको 250 रुपया लगेगा, ठीक है। अब बाकी सभी कैटेगरी का, ठीक है, चाहे वो फीमेल कोई भी कैटेगरी की क्यों ना हो, ठीक है, उसको आपको सिर्फ 250 रुपया ही पे करना पड़ेगा काउंसलिंग फ़ी। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो पाँच नंबर तो क्लियर कर दिए, डेट्स क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लो, शुरुआत से जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आपको 30/5 को मिल गया था, 29 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था, 29 अप्रैल को। सिंपल सा इसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी बच्चा एडमिशन लेगा वो किसमें लेगा, थर्ड ईयर यानी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में जाके एडमिशन लेगा इंजीनियरिंग कोर्स में, ठीक है, लैटरल एंट्री में। ओके, अब वैसे कौन सा बच्चा काउंसलिंग कर सकता है ये समझो, जैसे वैसा बच्चा जिसका टोटल मार्क्स पॉजिटिव में है, ठीक है, पॉजिटिव में है, यानी जो बच्चा टोटल में जिसका पॉजिटिव मार्क्स है, जैसे कोई बच्चा का मान के चलो अगर 10 नंबर है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो ये बच्चा जा करके काउंसलिंग करेगा, भले ही उसका कितना भी रैंक होगा क्यों ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, अगर उसका नेगेटिव में 10 नंबर है या नेगेटिव में कितनों नंबर है, नेगेटिव अगर लगा हुआ है तो वैसा बच्चा काउंसलिंग अटेंड मत करना, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव में अगर नंबर है टोटल, तब जाके काउंसलिंग को अटेंड करना, ये चीज़ समझा दे रहा हूँ पहले ही। ओके, तो इस वीडियो को इसलिए बोला था कि पूरा देखना, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि परीक्षा में शामिल घनात्मक अंक धारित अभ्यर्थी बने, ठीक है, बने मेधा सह इच्छा के आधार पर ऑनलाइन साक्षात्कार के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाएगा। यहाँ पे घनात्मक अंक, जो भी बच्चा का रिजल्ट में घनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर है तो वैसा बच्चा काउंसलिंग करना। ओके, अब यहाँ पे अभ्यर्थियों को सीट आवंटित वांछित प्रमाण पत्र, ठीक है, पत्रों की मूल प्रति को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे नामांकन से वंचित हो जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा आपको एडमिशन के टाइम, ठीक है, एडमिशन जब होगा उस टाइम पे आपको सारा डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स के आगे जो भी कैटेगरी से आपको अलॉट होता है या TFW से अलॉट होता है, तो उस कैटेगरी में उस तरह का डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा, तब जाके आपको एडमिशन करवाया जाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे अगर वांछित प्रमाण पत्रों के प्रारूप अगर आपको चाहिए तो आप जाके JCCB के वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कॉलम से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसका प्रोटोटाइप बोलो, ठीक है, प्रारूप बोलो, ठीक है, PDF वगैरह जो भी है उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब शैक्षणिक वर्ष 2023 के काउंसलिंग आपको जो सीट मैट्रिक्स कहाँ से मिलेगा, ठीक है, सीट मैट्रिक्स आपको इस वाले कॉलम पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, डाउनलोड कॉलम पे। सिंपल से आपको कहाँ चल जाना है, ऑनलाइन काउंसलिंग वाले पेज पे जहाँ से होगा, सेकंड नंबर पे आपको वहाँ पे मिलेगा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री का काउंसलिंग वाला, ठीक है, EECE लेटरल एंट्री का काउंसलिंग, उसके उस पर जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे उसके बाद ही वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे सीट मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। सीट मैट्रिक्स मैं डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ओके, ये चीज़ पता हो गया। चार नंबर में ये चीज़ लिखा हुआ था, पाँच नंबर बता दिया, छः नंबर में सुनो अब। जो भी बच्चा सीट आवंटन हेतु आंशिक नामांकन शुल्क यानी जो आपका प्राइस होगा, यानी जो भी सीट अलॉटमेंट होता है, सीट अलॉटमेंट होता है, अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो आपको उस सीट अलॉटमेंट, आपको एडमिशन आप कैसे करवाएंगे, तो उसके लिए आपको 1000 रुपया कटवाना होगा, ठीक है, 1000 रुपये का आपको पेमेंट कटवाना होगा, जिसके जो सीट अलॉट हुआ है उसको डाउनलोड करना होगा, यानी अलॉटमेंट जो होगा वो आपका डाउनलोड होगा कितना पे, अलॉटमेंट डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, अलॉटमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको 1000 रुपया पे करना होगा, तब जाके उस अलॉटमेंट को ले जा करके आपका एडमिशन होगा, ठीक है। इतना बड़ा पेज आपको मिलेगा अलॉटमेंट डाउनलोड करके, उसमें आपको कॉलेज लिखा हुआ रहेगा, कौन सा ब्रांच लेना है, किस कैटेगरी से आपको ऑल आउट हुआ है, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपका डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी लिखा हुआ रहेगा, बस इसको ले जा करके आपको ले जाना है और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको ले जा करके करना है। अब इसको कैसे डाउनलोड करोगे, अलॉटमेंट जो भी आपको अगर अलॉट होता है काउंसलिंग करने के बाद, तो आपको 1000 रुपया देना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, 1000 रुपया JCCB को भेजना है तब जा करके डाउनलोड होगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और कहा जाता है कि 1000 रुपये देने के बाद, ठीक है, 1000 रुपये आप अगर दे देते हैं कॉलेज को, तो ये जो 1000 रुपया है आपका ट्यूशन फीस में, यानी जो भी आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसके ट्यूशन फीस में इंक्लूड हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है, बट होता नहीं है, ये चीज़ बता दे रहा शुरू से, कोई भी कॉलेज में करता नहीं, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे आपका लेटरल एंट्री का जो भी पॉलिटेक्निक बच्चा देता है सेकंड ईयर में, उसको भी नहीं होता, ना ही DTOD में होता है, ये चीज़ जान लेना, इसका मतलब मत रखना पूरा। बात करूँ कि 7वां नंबर में, वैसा विद्यार्थी अगर समझ लो ना इस पॉइंट में जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो चीज़ आपको सिंपल सा समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी बच्चा फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में अगर एडमिशन हो चुका है, ठीक है, एडमिशन
करवा चुका है, उसका फाइनल हो चुका है और किसी ब्रांच में वो पढ़ रहा है, तो समझना है अगर उसको चेंज करवाना है, चाहे वो फर्स्ट का काउंसलिंग में एडमिशन हो चुका है तो उसको सेकंड काउंसलिंग अटेंड करके अगर कोई ब्रांच उसको चेंज करवाना है या कॉलेज चेंज करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लियर लिखा हुआ है सचिवतार, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है अगर संस्थान परिवर्तन करवाना चाहते हैं या रिक्त बचे शाखा पर परिवर्तन करवाना चाहते हैं, तो वैसे विद्यार्थी अगर फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन हो चुका है उसका, सिंपल से समझना, फर्स्ट में एडमिशन हो चुका है, सेकंड में करवाना चाहता है, यानी सेकंड में अगर कॉलेज वगैरह चेंज करवाना चाहता है, तो वैसा बच्चा क्या करेगा, वैसा बच्चा काउंसलिंग करेगा। बट काउंसलिंग अगर करेगा तो उसका जो पुराना वाला, ठीक है, काउंसलिंग में अगर सेकंड काउंसलिंग मान के चलो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में उसको कॉलेज अलाउड था, सेकंड में उसको एडमिशन लेना था किसी कॉलेज में और सेकंड में भी उसको कोई कॉलेज अलाउड हो जाता है, तो इस कॉलेज में यानी सेकंड काउंसलिंग में जो भी कॉलेज अलाउड होगा उसमें उसको एडमिशन लेना होगा, नहीं तो इस ना तो ये फर्स्ट वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा अगर नहीं लेता है सेकंड में, ठीक है, फर्स्ट वाला तो उसको ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही वो सेकंड में उसको कॉलेज अलॉट हुआ फर्स्ट वाला उसका कैंसिल हो गया, ये से भी जाओगे, ठीक है, अगर फर्स्ट में एडमिशन हो जाता है तो अगर आप नहीं लेते हो सेकंड काउंसलिंग में अगर कॉलेज नहीं लेते हो तो यहां से भी जाओगे, यानी दोनों तरफ से आपका खेला खत्म, आप फर्स्ट में एडमिशन करवाए तो वो चीज़ आपका नहीं रहेगा, सेकंड में जो करवाए थे वो भी नहीं रहेगा अगर नहीं लेते हो सेकंड काउंसलिंग में। अगर कोई बच्चा फर्स्ट काउंसलिंग से सेकंड काउंसलिंग अटेंड करने जा रहा है, ठीक है, कॉलेज अलॉट हो गया फर्स्ट में पढ़ाई कर रहा है, तो सेकंड काउंसलिंग में अगर उसको अलॉट हो जाता है कोई कॉलेज तो उसको एडमिशन लेना ही लेना है सेकंड में, ठीक है, ऐसा यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर पुनः आवंटित होता है, ठीक है, जो भी बच्चा फर्स्ट से सिर्फ फर्स्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फर्स्ट से सेकंड में अलॉट होता है अगर कोई कॉलेज तो उसको पुनर्आवंटित होता है तो उन्हें नए आवंटित शाखा या संस्थान में नामांकन लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि उनका पूर्व का नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा तथा उनके द्वारा रिक्त किए गए सीट पर किसी दूसरे अभ्यर्थी को मेधा सा इच्छा के आधार पर पर्षद द्वारा अनुशंसित किया जाएगा, ठीक है। जो भी फर्स्ट से आप अगर सेकंड में काउंसलिंग किए, आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो आपका फर्स्ट का सीट खाली हो जाएगा और इस फर्स्ट के सीट पर आपके सीट पर दूसरे कैंडिडेट को भर दिया जाएगा, और सेकंड काउंसलिंग में आपको अगर कोई कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, तो आपको इसमें एडमिशन लेना अनिवार्य होगा, नहीं अगर लेते हो तो फर्स्ट का भी सीट जाएगा सेकंड का भी सीट जाएगा। उसी तरह से कोई बच्चा सेकंड में लिया है, ठीक है, सेकंड काउंसलिंग में लिया है, थर्ड में आपको काउंसलिंग करना है और आपको थर्ड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको थर्ड वाले काउंसलिंग में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, आपको अलॉट हो जाता है चाहे कोई भी ब्रांच मिल जाता है या कोई कॉलेज मिल जाता है तो थर्ड काउंसलिंग में आपको जो भी कॉलेज मिलता है उसमें आपको एडमिशन करवाना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपका ये जो काउंसलिंग होगा यानी सेकंड वाला तो ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा, थर्ड वाला भी अगर रद्द हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ जान लेना अगर नहीं लेते हो तब, ओके, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ले लेते हो तो सिंपल सा ये सेकंड वाला है वो खाली हो जाएगा और किसी और बच्चा को मिल जाएगा, आप थर्ड वाले में जाकर के आप एडमिशन करवा लोगे। ऐसा नहीं ना है कि भाई आप अगर एक को आप एडमिशन लेने के बाद दूसरा अटेंड करो, दूसरा वाला भी मिल गया, अगर उसको छोड़ दोगे तो दूसरा वेबसाइट जो भी है जैसे से भी आपका दोबारा से फोर्थ काउंसलिंग तो नहीं करवाएगी ना, अगर सीट खाली बच्चा का तो एक बच्चा दो बच्चा के लिए तो नहीं ना करवाएगी काउंसलिंग, ये चीज़ समझो भाई, ठीक है। तो अगर कॉलेज मिल जाता तो उस कॉलेज में एडमिशन लिए रहना, नहीं मिलता है, ठीक है, तो जाकर के काउंसलिंग अटेंड करना, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो तब जाकर के काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हो, अगर एडमिशन हो चुका है तो काउंसलिंग को अटेंड मत करना, अगर अच्छा नहीं है तब अटेंड करो, रिस्क लेने का अगर मन है तो रिस्क ले सकते हो। आपको अगर काउंसलिंग करवाना है, जो भी काउंसलिंग करवाना है अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो आपको हमारे ओर से काउंसलिंग का सुविधा दिया जाएगा जिसका वो चार्जेबल होगा, ठीक है, यानी आपको 100 रुपये दे करके काउंसलिंग आपका हम कर देंगे डे टू डे का, ठीक है, आपको अच्छे से अच्छे ब्रांचेस भर करके दिया जाएगा, अच्छे से अच्छे कॉलेजेस को भर के दिया जाएगा ताकि जिस तरह से आपको चॉइस फिलिंग किया जाएगा उस हिसाब से आपका कॉलेज को अलॉट हो जाए, ठीक है। अगर आपको काउंसलिंग करवाना है हमसे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है 8292337947 पे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है, काउंसलिंग रिलेटेड जो भी क्वेरी होगा। 7 नंबर में समझ गए होगे, 8 नंबर में ये चीज़ समझा दे रहा हूँ, जो भी बच्चा प्रथम एवं द्वितीय साक्षात्कार में आवंटित तथा संस्थान में नामांकन अभ्यर्थी को आंशिक नामांकन शुल्क पुनः देय नहीं होगा, ठीक है, जो भी आंशिक नामांकन शुल्क यानी फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में आवंटित तथा संस्थान में नामांकित विद्यार्थी का आंशिक नामांकन शुल्क देय नहीं होगा, पुनः देय नहीं होगा, यानी जो भी आप
प्रोविजनल लेटर डाउनलोड करवा रहे हैं 1000 रुपये का, वो आपको वापस से नॉन रिफंडेबल है, आपको नहीं मिलने वाला है, ये कॉलेज को ही चला जाएगा। ओके, अब 9 नंबर में थर्ड एवं तृतीय एवं अंतिम साक्षात्कार में आर्थिक सीटों के विरुद्ध अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में आरक्षित सीटों का विनियम कार्मिक संकल्प निर्गत के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, यानी जो भी आपको थर्ड और फोर्थ काउंसलिंग जो अंतिम साक्षात्कार होने अगर होगा तो उसका जो भी नियम है उसको आप जैसे सीबी का नियम के अनुसार आपको भरना होगा, उसके हिसाब से आपको चलना होगा, उसका आपको बता दिया जाएगा। जो भी अगर फोर्थ काउंसलिंग होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो स्पॉट काउंसलिंग भी अगर होगा, स्पॉट यानी वहाँ पे स्पॉट यानी आपको रांची बुला करके अगर काउंसलिंग करवाना होगा तो वो भी कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, 11 नंबर में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय अंतिम ऑनलाइन साक्षात्कार में नामांकित, यानी आपको जो भी डेट्स है सारा कुछ मैंने बता दिया। अब बात रहेगी कि जिनको भी अगर काउंसलिंग करवाना है, ठीक है, काउंसलिंग जो ऐसा चीज़ है ना कि काउंसलिंग बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, नहीं करने आता है, नहीं समझ में आता है कि किस तरह से करें, तो अगर कोई भी दिक्कत होता है तो हमारे से अगर काउंसलिंग आप करवाना चाहते हैं, आप अगर काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको बेनिफिट्स अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, काउंसलिंग का जो प्राइस है वो आपका मात्र 100 रुपये रखा गया है। काउंसलिंग करके हम लोग देंगे, सारा प्रोसेस हम लोग करके देंगे, तो बस आपको कॉन्टैक्ट करना है कहाँ पे, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। आपको सिंपल सा आपको हमारा जो चार्जेबल फ़ी है काउंसलिंग करने का वो आपको पे करना है, और बाकी जो काउंसलिंग फ़ी है उसको आप पे करना है। ठीक है, बस यही था वीडियो में, इतना सही समझा दिया। ज़रा सा अगर आपको नहीं आएगा तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा, आप हमारे थ्रू काउंसलिंग करवा सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।